बिहार प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच माफियाओं और गुंडों का गढ़ बनता जा रहा है, लेकिन इसको लेकर पीएमसीएच प्रशासन भी पूरी तरह से माफियाओं को संरक्षण देने में, उनके धंधे को फलने फूलने में मददगार साबित हो रहा है। इस घटना को आप एक उदाहरण समझ सकते हैं। बीते दिनों सारण जिले के मरहौड़ा क्षेत्र से एक महिला अपने पति के इलाज करवाने पीएमसीएच पहुंची थी। उम्मीदों के सहारे पीएमसीएच पहुंची महिला की सारी उम्मीदें पर पानी फिर गई और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उसके पति की मौत हो गई। पीएमसीएच की नारकीय स्थिति में हद तो तब हो गई जब उक्त महिला अपने पति का शव ले जाने के लिए पीएमसीएच परिसर में टाटा वार्ड के बाहर लगे निजी एम्बुलेंस चालकों से मिन्नतें करती रही लेकिन कोई एम्बुलेंस चालक 10,000 की मांग कर रहा था तो कोई 20,000 का। अंततः मजबूर होकर उस महिला ने अपने जिले सारण के सांसद राजीव प्रताप रूड़ी द्वारा चलाए गए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा को फोन कर बुलाया, लेकिन निजी एम्बुलेंस चालकों की गुंडागर्दी पीएमसीएच परिसर में इस कदर बढ़ गई है कि निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा वाले को उन्होंने रोक लिया और जाने से मना करने लगे। पुलिस का सेटिंग है इसमें। राजीव प्रताप रूढ़ी को भी ये गाली दे रहा है, बोलिए। के बाद जब गाड़ी जो आता था 7,000-8,000 रुपया 9,000 मांगता, जब हमारा लगन 8,000 रुपया हम कहाँ से थे? जब घर से अपन गाड़ी आई 2 घंटा 3 घंटा से नहीं हो रहा होता, जब नया गाड़ी सकार लो तो हम गाड़ी घर से मांगे। मोरेजी लगा हम जा रही हूँ लाश लेके जा रही, जब गाड़ी हमारा आ गए तो क्या है चाबी छीन के लगा भाग। कौन चाबी छीना है? एम्बुलेंस का ड्राइवर है यहाँ का, हद तो तब हो गई जब निजी एम्बुलेंस चालकों के निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के चालक का गाड़ी की चाबी तक छीन कर फरार हो गए। लेकिन तब तक पीएमसीएच प्रशासन के कानों तक इस घटना की जू तक नहीं रेंगी थी। पीएमसीएच में टाटा वार्ड के सामने भगदड़ जैसे माहौल होने के बाद भी उक्त पीड़ित परिवार को पीएमसीएच प्रशासन का कोई मदद नहीं मिल सका। लेकिन मौका पाते ही पीड़ित परिवार के परिजनों ने एम्बुलेंस की चाबी लेकर भाग रहे चालक को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी और पकड़कर पीएमसीएच टीओपी लेकर गए, जहां टीओपी प्रभारी ने समझा बुझाकर मामला तो शांत करा दिया और एम्बुलेंस चालक को चाबी वापस कराकर एम्बुलेंस को रवाना किया। लेकिन पीड़ित परिवार से मीडिया को बात करने में टीओपी प्रभारी ने बहुत ही बाधा उत्पन्न की। पंचायत का एम्बुलेंस ड्राइवर है सर, हमारे एक बनोई डेट कर गए थे सर, उसके लिए हम आए थे यहाँ ले जाने के लिए। हम बॉडी लोड कर लिए यहाँ, प्राइवेट एम्बुलेंस वाले लोग जबरदस्ती में रहे, गाड़ी का चाबी छीन लिया, कॉलर पकड़ लिया मारने के लिए। हम बोले कि हमारा गाड़ी पंचायत से चलता है, ठीक है, हम लोग ऐसे कहीं नहीं जाते हैं। फिर गाली गलौज करके बोला कि रूढ़ी क्या कर लेगा, रूढ़ी को गाली गलौज पूरा करने लगा सर, ठीक है, चाबी लेके भागने लगा। फिर हम कौन एम्बुलेंस के चालक? हाँ, एम्बुलेंस के जो यहाँ एम्बुलेंस जो लोकल यहाँ के हैं लोग, लेकिन 3N संवाददाता ने काफी मशक्कत के बाद पीड़ित परिवार के परिजनों से बात किया और सच्चाई जाना। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में निजी एम्बुलेंस चालक किसके संरक्षण में इतनी मनमानी करते हैं और गुंडागर्दी पर उतर जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार सरकार की बड़े बड़े दावे जिस अस्पताल पर रहते हैं, आखिर उस अस्पताल में किसके संरक्षण में इतनी बड़ी तादाद में निजी एम्बुलेंस चालकों की भीड़ जमा रहती है और इतनी दादागिरी करने की हिम्मत भी आती है। अंतिम बड़ा सवाल यह है कि पीएमसीएच के टाटा वार्ड के सामने घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा होने के बाद भी पीएमसीएच प्रशासन घटनास्थल पर क्यों नहीं पहुंच सका? उसे इसकी भनक तक नहीं लगी? और यदि नहीं लगी तो क्या पीएमसीएच सिर्फ भगवान भरोसे ही चलता है? नेशनल न्यूज नेटवर्क के लिए पटना से संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट।